भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर बनाने का कार्य कराया राम मंदिर से रोजगार मिल रहा लोगों को बेरोजगारी इतनी बड़ी लोग नौकरी नहीं है लोगों पास में अब आंखों पर धर्म का चश्मा लगाना शुरू कर दिया इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं धर्म से अलावा राम मंदिर से हमारे युवा साथी नहीं चलने वाले राम मंदिर से पेट नहीं भरने वाला सबसे बड़ी बात तो महंगाई की तरफ से हम भी परेशान हैं। सोई का बजट तो हम लोग चला भी नहीं पा रहे हैं। दस हजार रुपए में होता क्या है हमें वो महिला गरीब इंसान जो खाने को नहीं आ रहा वो एक हजार का सिलेंडर कहाँ भरवाएगा आप मुझे बताओ पिछले पाँच साल में कौन से दंगे हुए नमस्कार मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज वर इंडिया आज का हमारा खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का मैं हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोग तमाम पार्टियों के लोग हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के मोहन नगर के राजीव कॉलोनी में पहुंचा हूं और यहां लोगों से जानेंगे कि इस बार किस्सा कुर्सी का मैं कौन कुर्सी पर आने वाला है ये तमाम चीज़ें हैं शुरुआत करेंगे हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी से संदीप सूद हैं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अजय जी हैं और बी पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद है माफ़ी आपका क्या जैसि, और साथ ही हमारे साथ बीजेपी से मनोज वोहरा जी मौजूद हैं इन तमाम से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं इन तमाम चीजों से शुरुआत करते हैं सत्ता पक्ष से ही बात करते हैं मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों पर आप इस बार सरकार बनाने वाले हैं देखिए जी मुद्दे तो जनता को दिखाई दे रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या कार्य करे हैं जो पिछली सरकार में और इस सरकार में काफी अंतर है जमीन आसमान का फर्क है वो तो जनता खुद बता देगी क्या क्या फर्क है हम आपसे जानना चाह रहे हैं पहले की सरकारें जो है ना हिंदू धर्म के मुताबिक जैसे आप लोग खुद ही देख रहे होंगे गाजवाज क्षेत्र में क्या बना करी और क्या क्या खुल कर गई है? क्या गई बना खुल कर पहले की सरकारों ने हजाउस बनाए थे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर बनाने का कार्य करा है और अभी चालू है वो और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आएगी मान्य राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आएगी आप से जानेंगे इनका कहना है राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आएगी क्या कहते हैं इस पर मंदिर से क्या जो लोगों को याद मिलनी चाहिए महंगाई से महंगाई के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते ये लोग महंगाई पे आए ना ये लोग रोजगार के विषय में बात कर रहे हैं ये लोग क्यों नहीं बात करते है राम मंदिर से रोजगार मिल रहा है लोगों को बेरोजगारी इतनी बड़ी है लोगी नौकरी नहीं है लोग पास में झूले नहीं जल रहे लोग खाने के लिए तो ये मंदिर को रख के क्या कर रहे हैं मंदिर राम मंदिर से बन जाएगा सब सरकार चला लेंगे राम मंदिर से चलिए लाल टोपी के पास भी पहुंचते हैं आप काफी चर्चा में हैं लाल टोपी सबसे ज्यादा चर्चा में रही है और आज की बात करें आपके जो नेता हैं उनका ये कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे पर हम आ रहे हैं क्या कहेंगे पहले तो मैं अपने भाई को बता देना चाहता हूँ कि वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं जिसकी वो बीजेपी ने वो राम मंदिर नहीं बनवाया वो कोर्ट का फैसला था जो राम मंदिर बनना है ये अपना क्रेडिट ना लें ये इनका झूठा फैलाने का ये जो अब चुनाव आ रहे हैं ना 2022 के अब क्या है इनकी आंखों ये जो है अब आंखों पे धर्म का चश्मा लगाना शुरू कर दिया इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं धर्म से अलावा रोजगार की बात ये नहीं करते महंगाई की बात ये नहीं करते ठीक है नौजवान कितना परेशान है बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है इनके कुछ ये तो ये इस चीज़ की बात नहीं करते पर धर्म की बात करते हैं धर्म से कभी देश का भला नहीं हुआ देश का भला खुशहाली अगर हुई है तो रोजगार से हुई है नौजवानों को नौकरी देने से हुई है धर्म से कुछ नहीं हुआ अच्छा आप क्या कहेंगे धर्म से कुछ नहीं हुआ धर्म से कुछ नहीं हुआ क्या नहीं हुआ कहना चाहता हूँ अगर हम बात करेंगे महिला सुरक्षा की तो राम मंदिर हम बात करेंगे चिकित्सा की शिक्षा की राम मंदिर हम बात करेंगे रोजगार की बेरोजगार की तो राम मंदिर राम मंदिर खाने को नहीं देगा मैं पहले बता रहा हूँ राम मंदिर से देश नहीं चलने वाला राम मंदिर से हमारे युवा साथी नहीं चलने वाले राम मंदिर से पेट नहीं भरने वाला राम मंदिर से पेट भरेगा पंडितों का भरेगा अगर हमें पंडित बनना होगा तो हम भी उसे मुंडवा के मंदिर में जा बैठ जाएंगे जी देखिए राम मंदिर पर जो इन्होंने कहा और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है ये यहीं की जनता है इनसे भी जान लेते हैं बीजेपी का कहना है राम मंदिर पर मुद्दा है और इस बार हम सरकार बनाएंगे आपका क्या कहना है जी मेरा तो ये कहना है सबसे बड़ी बात तो महंगाई की तरफ से हम भी परेशान हैं कि बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं अब दिल्ली में तो आ, सर आम आदमी पार्टी ने अच्छे अच्छे स्कूल बनवा दिए इधर तो कोई सुविधा भी नहीं है जो बच्चों के विजेपी वो आ रहे थे वजीफा आ रहे थे वो नहीं आ पा रहे पीछे से ड्रेस भी बंद कर दी है और बच्चों को ढंग से खाना पीना हर तरह से परेशानी हो गई है साग सब्जी हर चीज़ की महंगाई की तरफ से हम भी बोलेंगे जी अच्छा, आप बताइए महंगाई का मुद्दा रसोई का बजट कैसा चल रहा है आप रसोई का बजट तो हम लोग चला भी नहीं पा रहे हैं दस हजार रुपये में होता क्या है जो कि हमारे हमें बहुत आसानी हो रही है रसोई चलाने में महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं आपके हिसाब से क्या है महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार दावे करते हैं कि बहुत अच्छी महिला सुरक्षा है महिला क्या क्या है? सुरक्षा के लिए हमारे तरफ से कोई मतलब नहीं सुनवाई है हमें महिला तरह की सुनवाई नहीं हमें इसलिए देने को वो ने बोल दिया कि हम महिला के लिए गैस रहे हैं आज वो गैस फ्री करके वो एक हजार का सिलेंडर हमें दे के हमें वो महिला गरीब इंसान जो खाने को नहीं आ रहा वो एक का सिलेंडर भरवाएगा फ्री अच्छा दिखा के डबल कर दिया है जाएंगे सत्ता पक्ष के पास जाते हैं एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर बात हो रही है आप बताइए क्या महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद में सही है कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल सही है जी कोई दिक्कत नहीं है जी गाजियाबाद का आप देख सकते हैं अभी खबर चल रही है कि महिला सुरक्षा को लेकर एक लड़की ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि उसके साथ छेड़खानी होती थी पुलिस से शिकायत की गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरे सामने तो भाई ऐसा कोई संज्ञान में ग्राम थाने का मामला है डिबेट खत्म होने के बाद आपको जरूर बताएंगे लेकिन आप हमें ये बताइए अगर महिला सुरक्षा है तो जो बेटी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये तमाम नारे लगते हैं फिर भी बेटी को स्कूल छोड़ना पड़ा जी देखो जी ऐसा कुछ भी नहीं है अगर किसी को अगर जो कोई दिक्कत आ रही है तो एस एस साहब से जा के मिल सकते हैं या हम लोगों को बता सकते हैं हम लोग उनकी हेल्प वगैरह करेंगे है कि नहीं आ, वो आपके पास आएंगे आप नहीं जाएंगे आप सत्ता पक्ष में हैं आप अभी अभी तो आपके पास आऊंगा अभी आपके पास आऊंगा चलिए आपसे एक सवाल और कर लेते हैं उन बहन जी ने बोला है कि सिलेंडर के दाम इतने हो चुके हैं और हमें बीपीएल वाले सिलेंडर क्यों नहीं दे गए पहला नंबर कि बीपीएल वाला जो सिलेंडर जो मिलता है वो ऐसे ही नहीं मिलता है वो केंद्र सरकार की एक स्कीम होती है जो कि गरीब आदमियों के लिए होता है वो उन्होंने ये नहीं कहा उनका उनका उन महिला का ये कहना था कि हमको पहले सिलेंडर फ्री में दे दिए गए फिर साढ़े तीन सौ का जो सिलेंडर था वो हजार रुपए में हम डबल की डबल दुगना में डबल उसकी इनकम दे रहे हैं डबल पैसे दे रहे हैं फिर भरवा रहे तो ये तो इन्हों से पूछे ना कि पहले क्या रेट थे सिलेंडरों के इन्हों से पूछे जरा कहना सात साल पहले साढ़े तीन सौ चार सौ साढ़े तीन सौ चार सौ नहीं था अभी मैं गूगल पर खुद ही दिखला दूंगा आप लोगों को आप आंकड़े निकालिए आप आपके निकाला पास दोबारा आते हैं आप आंकड़े निकालिए आप आंकड़े निकालिए आपके पास फिर आते हैं अब आप मुझे बताइए महिला सुरक्षा को लेकर बी बीएसपी एस क्या करने वाली है जो सरकार में आए बी 2007 का मामला देखा 2007 से बाहर तक बहन जी रही है सरकार में कानून व्यवस्था देखी होगी बहन जी सरकार में कितनी कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त रही है चाहे अधिकारी बजे का टाइम ड्यूटी का अधिकार तो आठ बजे टाइम पे मिलता था और कोई शिकायत करता गया है ना तो वहाँ कुर्सी डाल के उसे शिकायत पूछी बात डिटेल में पूछी पूछा तो 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 बीजेपी के राज में भी होता है तो हम भी देखें मेरे को बताओ कहाँ चले जाइए आओ गा कौन सुनता है बता दो किसी अधिकारी छोटे अधिकारी चले एस पी तो बहुत अधिकारी बड़े हैं वो तो जिले के पूरे मालिक हैं इस उत्तर प्रदेश में योगी नहीं चाहिए हमें योग्य लाख चाहिए जो योग्य सरकार चलाने लायक योग्य आपसे आप बात करते हैं इन्होंने कहा योग्य चाहिए योगी नहीं चाहिए आप क्या कहेंगे मैं भी यही कहना चाहूँगा इस बार हमें उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसी सरकार चाहिए जो महिलाओं की सुरक्षा में काम करे गरीबों के हित में काम करे ऐसी कौन सी आप आम आदमी पार्टी से हैं आपको आप, आप, आप क्या लगता है कितनी सीट लेके आने वाले हम पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में चार सौ तीन सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे से सरकार कितनी कितनी सीट लगभग कितनी माने सौ पचास डेढ़ सौ दो सौ हम चार सौ तीन पर लड़ेंगे और हमें उम्मीद है हो सकता है चार सौ तीन चार सौ तीन सीट जी, जीत के ले हैं हंड्रेड परसेंट इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस जनता से पूछ लेते हैं चार सौ तीन सीट का दावा कर रहे हैं जी आपका क्या नाम है अजय कुमार कश्यप आम आदमी पार्टी कह रही है चार सौ तीन सीट लेके आएगी क्या कहना है देखिए पार्टियाँ हैं अपनी अपनी बात रखती है और तो जनादेश जनाधार बताएगा कौन सी पार्टी कितना आपके हिसाब से क्या लगता है आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आने वाली हमारे हिसाब से तो बसपा का लग रहा है कि इस समय परचम लहराएगा इनका कहना है बसपा एक आखिरी सवाल किस लिए किस मुद्दों पर सरकार बनाने वाली है जब भी बसपा की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में तो एक चीज देखी गई है कि जो दलित लोग हैं कमजोर लोग हैं ओबीसी के लोग हैं उनको न्याय मिला है थाने चौकी किसी भी कोई भी दुर्घटना दुर्घटना हो जाए तो उसको उचित न्याय मिली है अब न्याय नहीं मिलता है इनका ये कहना है और रो... हमारे साथ युवा भी मौजूद है इनसे हम जानेंगे जी आपका क्या नाम है नाम राहुल है अच्छा और ये कहा जा रहा है कि योगी राज में बेरोजगारी बढ़ गई आप युवा हैं आपके हिसाब से क्या लगता है क्या बड़ी है बेरोजगारी योगी राज में तो बेरोजगारी तो बहुत ही बढ़ी है सारे परेशान हैं बताओ खुश कौन है इसके राज में तो क्या उपाय है क्या लगता है कौन से सरकार इस बार हो जानी वह तो अखिलेश यादव बढ़िया है जी अखिलेश यादव आने चाहिए इस बार अच्छा तो। उनकी कोई खासियत अखिलेश यादव की ये खासियत है कि मतलब एक तो बीजेपी का राज में हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया हिंदू जब देखो हिंदू मुस्लिम पर सारी बातें चलती रहती हैं इनके और कुछ तो इनको आता नहीं बस हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई झगड़ा करवाते रहते हैं और अखिलेश जो है सबको लेकर एक साथ लेकर चलते हैं सबको एक साथ लेकर जुड़ते हैं ये तो खाली हिंदुत्व के नाम पे वोट इकट्ठा कर रहे हैं बीजेपी तो और कुछ नहीं है इसमें आपसे जानना चाहेंगे इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है क्या कितने सम... तो भाई हम तो इस बारे में बोल नहीं चाहते कौन क्या कर रहा है कौन हमें तो अपना काम ही करना है अच्छा फिर भी सरकार फिर, फिर तो सोचते तो होंगे फिर भी ये तो सोचते होंगे ये सरकार आए तो महिला बीजेपी बीजेपी अच्छी लगती है हमें इस हिसाब से जानना चाहिए बस अपना मन है हमारा मन है जैसा मन है वैसी सरकार होनी चाहिए जी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए मैं पहले मैं अपने बड़े भाई का जवाब दूंगा बड़े भाई ने कहा कि बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम आप मुझे बताओ पिछले पाँच साल में कौन से दंगे हुए हैं ठीक है जी दूसरी चीज हिंदू के लिए राम मंदिर बनवाया है तो उनको भी जो है जगह दी गई है उनकी जो मस्जिद बननी है उसके लिए ठीक है जी मोमडन जो महिलाएं हैं उनके हित में काम करा तीन तलाक का कौन सा उन्होंने जो हिंदू के पक्ष में कराई मोमडन के पक्ष में कराया नहीं काम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है जी यहाँ पे बिल्कुल भी ये आपने कहा कब दंगे फसाद हुए इसका पिछले पांच, पांच साल में बुलंदशहर का आपको याद होगा बुलंदशहर में दंगे हुए नहीं थे दूसरी सबसे बढ़िया मुझे ये लगा दंगे में जिसकी फोटो आ गई सामने आ गई ठीक है ना जी उसी से दंड लिया जाएगा सबसे बीजेपी ने वो क्या कहते दिया था बुलंदशहर में जो मुख्य आरोपी थे बुलंदशहर बुलंदशहर में जो मुख्य आरोपी हाँ, जो मुख्य आरोपी थे जिन्होंने दंगे भड़काए उनको ही एक बड़ा पद दे दिया गया हालांकि जब मीडिया में खबर चली तो हटा तो इस बारे की जानकारी तो मुझे है नहीं मगर मैंने भाई की बात का जवाब दिया है चलिए क्या कह रहे थे आप बताइए बुलंद शहर में जब दंगा हुआ और उनके जो आरोपी थे उनको जेल से निकालते ही जयमाला डाली गई अत्याचार बड़ा हुआ है इस टाइम किसने डाली जयमाला किसने जब बीजेपी के बड़े पदाधिकारी थे बीजेपी पदकारियों ने माला डाली वापस चलते हैं सत्ता पक्ष के पास इनसे हम जान लेते हैं लोगों का कहना है कि इस बार जो है जब से पाँच साल हुए हैं दंगे नहीं हुए हैं तो क्या इसको पुलिस की एक अच्छी कार्य पढ़ने मिलते क्या मानते हैं इसमें सबसे ज्यादा तो देखो जी मान्य हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का काफी यानी कि वो रहा है और पुलिस प्रशासन का भी दोनों का रहा है सबसे ज्यादा हमारे मान्य उत्तर प्रदेश के योगी जी का रहा है जो की दंगे नहीं हुए हाँ जी हाँ जी इसलिए दंगे नहीं हुए दंगे नहीं वापस आपके पास आते हैं देखिए इनका कहना है कि जब से इनकी सरकार आई है दंगे नहीं हुए हैं जब आपकी सरकार थी तो केराना बहुत से ऐसे दंगे जो हुए हैं जिसके बाद सरकार भी पलटी क्या कहना चाहिए जब दंगा करने वालों की ही सरकार है तो दंगा होगा कहा से हाँ दंगा करने वाले यही लोग हैं यही दंगा करवाते तो अब दंगा होगा कहाँ से क्योंकि यही सत्ता में बैठे हुए हैं जब ये सत्ता में नहीं होते तो दंगा ये दंगा कराते हिंदू मुस्लिम कराते हैं इनका यही काम है और कुछ नहीं है पहले एक बार जनता के पास चलते हैं जनता से जानते हैं इनका क्या कहना है चलिए आपसे ही जान लेते हैं इनका कहना है कि जब सरकार सत्ता में होती है तो दंगे नहीं कराती खासकर बीजेपी क्या यही दंगे कराते नहीं सर मेरा कहना यह है दंगे फसाद कभी कम ना थे न है है ना दूसरी बात जो राम मंदिर की आ रही है जितने पैसे उन्होंने राम मंदिर में लगा दिए आज अगर उतने पैसे कहीं हॉस्पिटल में बना के लगाए होते तो गरीबों का कितना भला होता आज सबसे ज़्यादा गरीब परेशान है कोरोना में सारे गरीब मारे गए आज हम गरीब एक एक पैसे के लिए परेशान है न कोई रोजगार है न रोटी है कुछ सब इंसान परेशान है इसके लिए बताए जी तो बोल रहे हैं हमने रोजगार दिया है काफी युवा है मिला है ये विकलांग है विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है आप बताइए क्या क्या बते, क्या बताइए परेशानी आ रही है आप हम तो दोनों में अभी भी वो विकलांग है हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है क्या क्या दिक्कत आ रही है जब नगर निगम जा रहे वो ले रहे की ये करके आओ वो करके आओ सब प्रूफ मांग रहे चलिए चलिए वापिस चलते हैं कौन बोल रहे थे आप बताइए अच्छा चलिए हाँ बताइए क्या कह रहे हैं राम मंदिर ऐसी करता हूँ देखो जी बात ऐसी है मैं बहन जी हमारी बोल रही थी अभी की राम मंदिर में सरकार पैसा लगा रही है राम मंदिर में सरकार का पैसा तो लग नहीं रहा तो चंदे का लग रहा है राम मंदिर पास जो करवाया वो सरकार ने करवाया परंतु जो पैसा लग रहा है उसमें चंदे का लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल हमारे यहाँ कितने नहीं बने बारह एम्स बन गए कौन नहीं करा हॉस्पिटल बने यूनिवर्सिटी में बन गई है नाम किनवा दीजिए नहीं पाँच यूनिवर्सिटी का किन्नी पाँच यूनिवर्सिटी का मेरे पास स्टैम तो मैडम जी आप लिस्ट निकाल लीजिए आप लिस्ट निकाल लीजिए दोबारा आपके पास आते हैं फिर आपके पास आते हैं निकाल लिया आपने गूगल से नहीं नहीं, नहीं नहीं क्या हो गया आप कह रहे थे गूगल नहीं 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 चार्ज नहीं है है ना ज्यादा देख लो ठीक कोई बात दोबारा से आते हैं आपसे ये बात कर लेते हैं आपसे आपसे एक पहले एक छोटा सा सवाल इनका कहना है कि चंदे से राम मंदिर बन रहा है तो फिर सरकार क्यों क्रेडिट ले रही है की हमने राम मंदिर बनवा देखो सरकार के राज में बन रहा है ना वो मंदिर और किस कि तो जनता का होता है राज तो जनता का होता है योगी सरकार का ही कहना सरकार का कहना है पहले मेरी बात सुनिए सरकार का कहना है सरकार का कहना है कि राज जनता का है अगर चंदे से बन रहा है तो क्रेडिट क्यों लिया जा रहा है अगर चंदे के पैसे से राम मंदिर बन रहा है तो क्रेडिट क्रेडिट तो इस वजह से लिया जा रहा है ना कि और सरकारों के हित में न चले जाए नहीं तो वो चंदे का पैसा जो है ना डकार जाएगी जैसे पहले डकार जाती थी डकार जाएगी सपा सरकार या वो और कोई सरकार, सरकार के पास चंदा नहीं आ रहा है अम्मा जी कुछ कहना चाहती है अम्मा जी हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही हमारी बिजली फ्री होनी चाहिए हम हम अंधेरे में वो उनकी वो चल रही है खाना में हीटर वो वो हमारा जो बड़े बड़े लोग हमारी हम हमारे अंधेरे में बैठे वो, वो भी हम पैर हो ठीक है, है और दूसरी बात ये है कि राम मंदिर के लिए कोई मतलब चल देना ठीक है राम के भी क्या कह रहे हैं? का, कोई कर्मचारी निकालता नहीं है घरों में पानी भर जा दिल्ली की जनता में और उत्तर प्रदेश की जनता में क्या फर्क है ये बताइए फर्क ये है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ जो है उन्होंने यहाँ मान्य अखिलेश यादव जी पहले भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्हें यहाँ का पता है कि व्यवस्था कैसे चलनी है तो वो पहले से ही पहले मुख्यमंत्री रहे हैं तो जो, तो जो पहले अब आप मुझे बताइए इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का ही नहीं है दूर दूर बोल तक, बोल तक नहीं है गलतफहमी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो एक पूरे भारत का स्टेट पूरे कैपिटल सिटी चला रहे हैं वहाँ उस सिटी में सरकार चला रहे हैं ये गल्फा में उत्तर प्रदेश के अंदर वो आएंगे लड़ेंगे भी और जीतेंगे और यहाँ की जनता को विकास करेंगे आप मुझे बताइए बहन मायावती जी कहाँ हैं आप आजकल दिखाई नहीं दे रही बहन जी फील्ड में हम इससे आगे कर रखे हैं उनके बाकी कार्यकर्ता मेहनत पर लगे हुए हैं सब लोग बहन जी आएंगे तभी हर हर एक कार्यकर्ता बहन जी हैं हर एक कितनी कितनी, कितनी कितनी सीट लाने वाले सीट पूरे बहुमत से सीट आएगी कितनी काउंटिंग नहीं करेंगे पूरी बहुमत सीट आएगी पहले से अंदाजा पहले तो उन्नीस रह गई थी पहले उन्नीस थी पहले दो हजार सात का जो बारह का मामला रहा उससे सीटें आएंगी और विकास की बात करते हैं विकास दोयास से तक देखा होगा लखनऊ का विकास देखिए बहन जी ने क्या किया नोएडा जंगल राज था नोएडा को देखिए उसको क्या स्वर्ग बना स्वरूप बहन जी ने अगर बहन जी करिए विकास और केवल विकास नहीं किया किसी ने भी केवल बातों के लोग ये, ये नोएडा के विकास के तर्ज पर बता रहे हैं अभी 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 दुआ अभी आते हैं आपके पास काम गिनवाना आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली एनसीआर खासकर गाजियाबाद मेरठ नोएडा प्रदूषण से सबसे ज्यादा परेशान है सरकार की क्या इस पर रणनीति देखो जी सरकार तो जी कार्य वगैरह कर ही रही है और तो है। है प्रदूषण जब मान लीजिए एक ही घर के अंदर में दस दस गाड़िया होंगी तो उसमें सरकार क्या करेगी बताइए आप जो जो काम जो निर्माण काम होता है, सरकार के अंदर क्या उस पर कोई ध्यान नहीं है नहीं उस पर ध्यान है सरकार का ध्यान काफी ज्यादा ध्यान है पहले की सरकारें हाथी ओड़ा बनाने पर ही उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी तभी तो उनकी सरकारें गई हुई हैं चलिए देखिए इन, इनका कहना है कि सरकार जो है पूरी तरह से काम कर रही है प्रदूषण को लेकर खासकर गाजियाबाद की अगर बात करें तो प्रदूषण में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से निर्माण का काम चल रहा है और यहाँ पर जो बजरी और रेत है वो पूरी तरह से खुली हुई रखी हुई है तो ये जो सारा सामान है इसको आप जो है ऐसे खुले हुए में नहीं रख सकते हैं और एक ये माता जी हमारे साथ बार बार जुड़ रही हैं इनका कहना है कि यहाँ की जो गंदगी की व्यवस्था है वो काफ़ी बेकार है तो वो एक बार मैं तस्वीरें में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो नाले बनाए गए हैं वो किस तरह से बनाए गए हैं उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या तरीका है अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो नाले बने हैं इसकी बार बार बात कर रही थी माता जी देखिए यहाँ पर किस तरह की गंदगी है अगर यहाँ कोई बच्चा भी गिर जाता है तो वो इसके नीचे दब सकता है निकलने की कोई गारंटी नहीं है वहाँ तक आप देख लीजिए और दूसरी तरफ मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो नाले का जो निर्माण होना चाहिए जो उसमें इंजीनियर्स लगते हैं जिसको ऊंचाई और ऊंचाई के हिसाब से काम होता है वो नहीं हुआ है हाँ आप बताइए पहले हाँ चलिए दूसरा नाले भी हम देख लेते हैं ये बार बार इसी की शिकायत कर रही थी तो क्यों ना हम आपको कैमरे पर दिखाएं ये देखिए ये दूसरा नाला है और है हाँ ना ये पहला और दूसरा है लेकिन इसकी जो ऊंचाई और निचाई है वो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब जब एक तरफ से जो नाला बनेगा और दूसरा जो जॉइंट जो है वो उस पर नीचा होना चाहिए लेकिन यहाँ ऊँचा है जिसके वजह से पानी और कबाड़ा यहाँ रुक जाता है ये तमाम चीज़ें हैं अब हम वापस चलते हैं सत्ता पक्ष के पास चलते हैं एक बार आपसे एक सवाल और है आप कह रहे हैं कि पूरा काम चल रहा है निर्माण का काम चल रहा है रोड़ी बदरी जो भी बदरपुर है यहाँ पर जो भी सामान है सब उगड़ा हुआ रखा है एनजीटी का आदेश है कि वो ढक के रखना है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है अब ऐसा तो देखिए जी ये का जो ठेकेदार होगा उसकी गलती है जी ये सारी सारी की तो उस गलती को कौन देखेगा हो सकता है कि ढक दिया हो हो सकता है कि रात में किसी ने विपक्ष उनको, चला। चला। उनको पता पता चला चला विपक्ष ने हटा दिया विपक्ष ने हटा दिया विपक्ष ने हटा दिया चलिए ठीक है विपक्ष ने हटा दिया ठीक है आपकी बात मान लेते हैं नाले का जो निर्माण हुआ है जिस टेक्निक से होना चाहिए था वो टेक्निक नहीं है जहाँ से पानी जा रहा है दूसरे लेवल पर जाना है वो पार्ट ऊंचा हो गया है तो पानी जाएगा कैसे क्या क्या ये न्यूटन की जो न्यूटन का जो नियम है उसको मात देने के लिए किया गया है देखिये जी यहाँ पर दो नाले बनाए हुए हैं जो पहले पुराना वाला नाला था वो काफी ऊंचाई पर हो गया था जो अब जो उसके साइड में जो नाला बनाया हुआ है वो काफी गहराई पर बना हुआ देखिए तार्क की बात करते हैं तार्क की बात करते हैं तार्क की बात करते हैं जो बहाव है जिस तरह को बहाव है वो नीचा होना चाहिए जिस तरफ से पानी आ रहा है वो ऊंचा होना चाहिए लेकिन यहाँ उल्टा है जिस तरफ को पानी जाना है वो ऊंचा है जिस तरफ से पानी आ रहा है वो नीचा है तो पानी जाएगा कहाँ

तो यहाँ के निवासी यानी कि को बता नहीं सकते थे कि भैया जी इसके निवासी को बताना था निवासी को बताना था इनका कहना है जो नाला बन रहा था वो निवासी को बताना था इंजीनियर तो खाम खाम आ गए क्या कहेंगे तो एक चीज तो बताएं जो इंजीनियर है जो जो इंजीनियर है वो इतने पढ़े लिखे इंजीनियर हैं गवर्नमेंट उन्हें तनख्वाह दे रही है इतनी इतनी क्या फ्री में दे रही है, है? ये पार्षद का काम है वो देखता ये सरकार का काम है वो देखती इंजीनियर देखता जनता वो क्या बेचारी बोली बाली जनता है जरा दो हजार सत्रह में बोली बाली जनता ने झूठ बोल बोल के वोट ले लिया ऐसी बोली बाली जनता को क्या पता सरिया कितने का क्या लग रहा है ये तो आप भी लेते हैं हम वोट लेते विकास के नाम पे जो वादे किए सारे पूरे करे हम विकास के नाम पे वोट लेते झूठ बोल के वोट नहीं लेते ठीक है और जानना तो चाहेंगे समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था कैसी होती समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था आपने भी देखी होगी हिंदुओं को हो जाता है कि मुस्लिम की पार्टी बन चुकी है मुस्लिम को हो जाता है कि हिंदुओं की पार्टी समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी का तो एक ऐसा एजेंडा चल रहा है ये हिंदू पार्टी है मुस्लिम पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करो ना तो किसी जातिवाद की पार्टी है वो हिंदू के लिए भी काम करती है मुसलमान के लिए भी काम करती है क्रिश्चन के लिए भी काम करती है सिख के लिए भी काम करती है हम काम बात करेंगे तो सिर्फ ऐसी पार्टी के लिए करेंगे जो सब सबको सामान्य एक समान मानती हो आप सफा पार्टी की बात करूं तो मुस्लिम पार्टी में कहलाई जाएगी एजेंट नाम दे दिया गया है मुस्लिम पार्टी है बीजेपी की बात करूंगा तो हिंदूवाद पर कहलाई जाती है हिंदू हिंदू पार्टी है मायावती बहन जी पे बात करेंगे तो कह दिया जाता है चमारो क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर समझ में नहीं आ भारत के अंदर जातिवाद पे पार्टी क्यों चल रही है शिक्षा पे पार्टी चलाओ ना हाँ जी सही कह रहा हूँ आपके पास चलते हैं शिक्षा पर पार्टी चलानी है क्या कहेंगे शिक्षा पे मैं बताया था बहन जी ने कितने काम किए हैं काम की गिनती गिनवाया आप काम की जल्दी जल्दी गिनवाइए गिन थोड़ा सा ये बताया था मंदिर नहीं स्कूल चाहिए धर्म नहीं अधिकार चाहिए नहीं संविधान चाहिए भाषण नहीं रोजगार चाहिए पूंजीवाद नहीं समाजवाद चाहिए धर्म तंत्र नहीं लोकतंत्र चाहिए ये चीज अपनी जब आपकी सरकार होती है तब क्यों नहीं क्यों नहीं चलता है विकास बताए कहाँ नहीं चलता है बताइए फिर, फिर जनता ने हटा क्यों क्यूँ जनता नहीं हटा दिया है देखो बीजेपी के लोग ऐसे ऐसे दलाल बने हुए थे वो केवल वोटरों के सौदागर बन गए हैं उन्होंने कह दिया बहन जी ने पार्क बना दिए आज पार्क से बताइए सरकार कितना बड़ा बेनिफिट ले रही है चलिए एक बार कह दिया दूसरी बार तो उन्नीस सीट रह गई फैलाने दंगल तो यही कराने वाले हैं फैलाने वाले यही लोग हैं जब चार लोग इनके इकट्ठे हो जाते हैं तो आठ लोगों को पैसा देगा सवाल सवाल सवाल, सवाल 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 सुनिए वो इस बार जो है बसपा की उन्नीस सीट रह गई थी इस बार कितनी हो इस बार फुल बहुमत से आ रही है बहन

इस बार ये जितने भी है ना नजर नहीं आने के, इस बार।, नजर नहीं आने के इस बार देखते रहना चलिए जनता जनता के पास चलते हैं एक बार इस बार जनता से भी पूछ लेते हैं कि जिस तरह से इनका कहना है कि कोई नजर नहीं आएगा तो इनसे बात कर लेते हैं आपसे जानते हैं क्या लगता है कौन सी पार्टी होनी चाहिए भैया हमें पार्टी है जो गरीबों की मदद करेगा वही पार्टी हमारे लिए अच्छी है फिर भी कुछ तो सोचा ये देखो अब हम आगे कैसे कहें समाजवादी पार्टी अच्छा करे तो आपको डालना ही पड़ेगा ना वोट तो हाँ, डालेंगे एक एक बार एक बार समाजवादी पार्टी को देखते हैं कि वो क्या करती है इतना जो दावा करी है समाजवादी पार्टी कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे इस बार दावा देखते हैं कि क्या करती है वो आप क्या कह रहे थे आप क्या कह रहे तो समाजवादी पार्टी को जीताएंगे और लोगो से भी जान लेते और इनसे भी जान लेते हैं ये किसको इस बार देखना चाहते हैं आप बताइए आप बुजुर्ग लग रहे हैं आपके हिसाब से किस पार्टी को इस बार देखना चाहते तो किसी को भी के, के, भाई के सरकार में दो में जो कानून व्यवस्था थी वो दोबारा आना चाहिए आप क्या सोचते हैं आप युवा हैं आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी पार्टी होनी अखिलेश की पार्टी होनी चाहिए जो रोजगार देती है ठीक है जी बाकी तो किसी ने कुछ काम नहीं किया आप आप बताइए बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है? आप क्या लगता है? क्या लगता है है कौन सी पार्टी देखो आम पार्टी आनी चाहिए आम पार्टी आनी चाहिए बढ़िया काम रखा बस बसों में महिला फ्री और स्कूलों में सफाई बढ़िया बहुत अच्छा काम करा आम पार्टी ने आपके हिसाब से मेरे हिसाब से तो हम युवा हैं हमें तो पहले शिक्षा चाहिए और तो शिक्षा ये है कि हमारी तो स्कॉलरशिप भी बंद कर दी गई है प्रॉब्लम मेरी यही है क्योंकि मैं तो भाई छात्र हूँ तो छात्र वाली बात करूंगा पार्टी तो बाद में देखूंगा अच्छा फिर भी सोचते तो होंगे कौन सी सरकार आपको स्कॉलरशिप दे नौकरियाँ दे, तमाम वो चीजें थे जिसको युवा को जरूरत हमें हमारी बहन जी की सरकार में बहुत बढ़िया शिक्षा मिली और स्कॉलरशिप अच्छा भी हमारे अच्छा अच्छा आज तक आप स्टूडेंट हाँ जी स्टूडेंट आज भी स्टूडेंट है जो हमारी फीस कॉलेज की रुकी पड़ी है चौहत्तर हजार है मैं चाहूँ तो आपको स्लिप दिखा सकता हूँ अभी फोन में है चौहत्तर हजार और मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूँ मेरी फाइनल ईयर है भाई साहब सबसे बड़ी चीज है कि बेरोजगारी बहुत है बेरोजगारी को लेकर रोजगार रोजगार मिले और क्या लगता है कौन जीता है यहाँ हम मोहन नगर के राजीव कॉलोनी में मौजूद थे और यहाँ लोगों से और तमाम नेताओं से हम बात कर रहे थे जो अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रख रहे थे और जिनका कहना था कि हमारी सरकार आएगी वैसे तो सभी सरकारों का कहना है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसको कुर्सी पर बैठाती है और किसको कुर्सी से उतार देती है गाज़ियाबाद से अपने सहयोगी सरताज के साथ मैं जितेंद्र गौतम